हरिशंकर परसाई जी की कहानी एक लड़की पांच दीवाने, गोरकी की कहानी है 26 आदमी और एक लड़की। इस लड़की की कहानी लिखते मुझे वह कहानी याद आ गई, रोटी के एक पिंजड़ानुमा कारखाने में 26 मजदूर सूअर से भी बदतर हालत में रहते और काम करते हैं। मालिक की जवान लड़की जब निकलती है वे सब शिकंजों से उसे देखते हैं। जीवन के रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली आती है, वे उसे देवी जैसी पूछते हैं, अलग अलग और इकट्ठे उससे प्रेम करते हैं। एक दिन जब वह अपने उच्च वर्गीय प्रेमी के साथ बाहर निकलती है वे आदतन उसे झांकते हैं। लड़की कहती है सुअर कहीं के और प्रेमी के साथ चली जाती है। पर जिस लड़की की कहानी मैं लिख रहा हूँ वो बड़े आदमी की लड़की नहीं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी लड़की है। पिता सरकारी नौकर है, पत्नी बच्चे पैदा करने में गांधारी की स्पर्धा करती है। गांधारी ने अंधे पति से 100 बेटे पैदा कर दिए थे। इस औरत ने जवानी में ही आँखों वाले पति से 4 पैदा कर लिए हैं। पांचवे का शिल्यानाश हो गया है। मरियल है, पूरा खाने को नहीं मिलता, शरीर में खून नहीं हड्डी ही हड्डी है। वह लड़की विशेष दुर्बल नहीं है, वही खाना बनाती है। माँ तो लगातार प्रसूति ही रहती है। लगता है लड़की खाना बनाते बनाते एक आध रोटी ज़्यादा निकल लेती होगी। रोटी बड़े बड़े क्रांतिकारियों को कमज़ोर बनाती है। चे गुवेवारा ने डायरी में लिखा है कि एक बहादुर गुरिला साथी एक दिन चोरी से डबल रोटी के 2 टुकड़े खा गया। दूसरे दिन उसे दंड में नाश्ता नहीं दिया गया। लड़की छरहरी है, सुंदरी है और गरीब की लड़की है। मोहल्ला ऐसा है कि लोग 12-13 साल की बच्ची को घूर घूर कर जवान बना देते हैं। वह समझने लगते हैं कि कहाँ घूरा जा रहा है। वह इन अंगों पर ध्यान देने लगती है, ब्लाउज को ऊंचा करने लगती है, नीचे कपड़ा रख लेती है, कटाक्ष का अभ्यास करने लगती है, पल्लू कब खसकाना और कैसे खसकाना यह अभ्यास करने लगती है। घूरने से शरीर बढ़ता है, आंखें बड़ी ताकतवर होती है। रहीम ने कहा है रहीमन मन महाराज के दृग सो नहीं दीवान, जाकी देख रिजे नयन मन ते ही हाथ बिकान। मन के दीवान जी होते हैं नयन, नयनों के उपयोग के ज्ञानी उनका असर जानते हैं। अगर आंखों का असर भीतर पड़ रहा है तो स्त्री लोकेट हाथ में लेकर उसे हिलाने लगती है, लोकेट न हो तो साड़ी के पल्लू को अंगुली पर लपेटने लगती है। थोड़ी कठिनाई उसके साथ होती है जो स्वेटर बुन रही है, पर ध्यान से देखो तो वह भी 2-4 खाने गलत बुन देती है और उन्हें उकेल कर फिर बुनने लगती है, बाकी चल तो साफ ही कह देती है आज तो आप ही से आइसक्रीम खाएंगे। चलिए लड़की को बाकी घूरने वाले अब हताश होकर कहीं और घूर रहे हैं। अब कुल 5 दीवाने बचे हैं जो सामने बैठते या चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता प्रेमी बैठे प्रेमी से सवाया पड़ता है क्योंकि वो मेहनत करता है। फिर परंपरा से कुच्चे की खाक छानता चला आ रहा है। लड़की 18 साल की हो रही है, उभार पर है, छज्जे पर आकर देखने लगती है तो उपस्थित दीवाना समझता है कि मेरे ही लिए खड़ी है और मुझी को देख रही है। जो दीवाने एक साथ सिर्फ शाम को होते हैं क्योंकि वे दिन में काम पर जाते हैं। दिन में जो हाजिर होता है वो छज्जा देखता रहता है, आंखें मिलाता है, हाव भाव करता है। सामने एक अधेड़ जनरल मर्चेंट की दुकान है, नीचे क्रोकरी वाला जवान है, मगर उसकी मुसीबत यह है कि छज्जा सिर के ऊपर पड़ता है। जनरल मर्चेंट के बगल में किताबों की दुकान है जिसका मालिक 40 साल का खूबसूरत आदमी है। ठीक सामने के 2 कमरे के मकान में एक जवान आदमी रहता है जो बीमा कंपनी में काम करता है और 500-600 से ऊपर की कमा लेता है। यह 3-4 घंटे ही बाहर रहता है, बाकी समय घर में काटता है, कंवारा है। घर के सामने एक हलवाई की दुकान है, 50 पर पहुंचता होगा, पर वह भी दीवाना है, दीवाना नंबर 1। इसे कुल 3-4 घंटे का काम है, माल यहाँ से वहाँ सप्लाई करके
वरी हो जाता है और जनरल मर्चेंट की दुकान पर आकर बैठ जाता है। आर्थिक कठिनाई में रहता है। इसने दाढ़ी बढ़ा ली है। दाढ़ी अलग अलग तरह की होती है, प्रेमी की दाढ़ी अलग, मुल्ला की अलग और मुफलिस की अलग। इसने प्रेमी की दाढ़ी बढ़ा ली है, ट्रिम करवाता है। दाढ़ी दीन भी होती है और रोबदार भी। यह दाढ़ी वाले के व्यक्तित्व और आंखों के भाव से मालूम हो जाता है। कुछ दाढ़ियां क्षमा याचना करती मालूम होती है। इस प्रेमी का विश्वास है कि दाढ़ी बढ़ाकर आंखों में भिखारीपन लेकर औरत का सामना करो तो वह आकर्षित हो जाती है। यह दाढ़ी और दीनता लिए कभी दुकान पर बैठकर छज्जा देखता रहता है या फिर सामने की सड़क पर टहलता है। यह सही है कि कुछ औरतों को दाढ़ी पसंद है। मैंने सुना है कुछ औरतें पति की दाढ़ी को इतना पसंद करती हैं कि सुबह दाढ़ी में टूथपेस्ट लगाकर उसी से ब्रश कर लेती है। यह प्रेमी सिर्फ देखता है। वह छज्जे पर ऑक्सीजन लेने आती है तो दाढ़ी वाला समझता है कि वह उसी को देखने आई है और दीन हो जाता है। वह करुणा में से प्रेम निकालना चाहता है। करुणा में से प्रेम निकलता भी है। गांव की चलतू औरत कहती है, इतने बड़े बड़े आदमी के लड़के और मेरे गोड़ यानी पांव पड़े, मेरा तो जी पसीज जाए है, नहीं करते नहीं बने। दाढ़ी वाले को कभी कभी लड़की का सामीप्य प्राप्त होता है। नीचे के नल से लड़की का भाई बाल्टियां भरकर ऊपर ले जाता है। कभी वह नहीं होता, लड़की पानी भरने आती है, तब दाढ़ी वाला प्रेमी पानी की बाल्टियां उठाकर दरवाजे तक रख आता है। वह कहती है, बड़ी तकलीफ की तुमने भैया। दाढ़ी वाला भैया संबोधन से बहुत डरता है, कहीं यह राखी न बांधने लगे। दाढ़ी वाले प्रेमी को 7-8 घंटे जनरल मर्चेंट की दुकान पर बैठने के लिए बहाना चाहिए। वह कहता है, बड़े भैया मैं तो फुर्सत में रहता हूँ, कुछ काम हो तो बता दिया करिए। दुकानदार उसे पार्सल छुड़ाने और माल सप्लाई करने भेज देता है। सेठ ने बाहर का काम करने वाले नौकर को निकाल दिया है। दीवाना नंबर 2, यह 30 साल के लगभग है, गोरा और साधारणतया देखने में अच्छा है। इसे दूसरों से कुछ ज़्यादा सुविधाएं भी हैं और कुछ असुविधाएं भी हैं। सुविधा यह है कि वह रुपये उधार दे देता है, पर उधार लेने लड़की का बाप आता है। वह चाहता है लड़की आए, कहता है तुम क्यों तकलीफ करते हो, बच्चों को भेज दिया करो, पर बाप खुद ही उधार लेने आता है या लड़की की माँ आ जाती है। असुविधा इस दीवाने को यह है कि लड़की ऊपर रहती है, वो उसे देख नहीं सकता। पीछे की तरफ जाता है तो वहाँ ऊपर लकड़ी की जाली लगी है, लड़की उसे दिखती नहीं है। मजबूरी में वह पुस्तक प्रेमी हो गया। वो सामने की किताब की दुकान पर बैठता है, 1-2 घंटे और मुआवजे के रूप में गुलशन नंदा की कोई किताब खरीद लाता है। इधर एक तरीका उसने और निकाला। सब्जी का ठेले वाला थोड़ी दूर पर, जहाँ रोज काफी सब्जी खरीदने वाले परिवार रहते हैं, खड़ा होता है। क्रोकरी वाले ने सोचा कि ठेले वाला यहाँ भी खड़ा हो तो वह सब्जी खरीदने नीचे आया करेगी। उसने ठेले वाले से कहा, इधर भी खड़े रहा करो। उसने उम्मीद की कि भावताव को लेकर बात होगी, कभी उसके पास पैसे न होंगे तो मैं उधार में दिला दूंगा और बाद में चुकता कर दूंगा। ठेले वाले ने कहा, यहाँ भाई साहब खरीदने वाले ही नहीं हैं। दीवाने ने कहा, है क्यों नहीं, 1-2 रोज देखो। ठेले वाला दरवाजे के पास खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। लड़की ऊपर से आई, उसने पूछा, आलू क्या भाव दिए। इतने में दीवाना क्रोकरी के ग्राहक को छोड़कर ठेले के पास आ गया। प्रेम में बड़ा त्याग करना पड़ता है, ग्राहक खोना पड़ता है। ठेले वाले से कहा, ठीक भाव से देना, और लड़की से आंख मिलाने लगा। लड़की ने कहा, 1/4 किलो आलू दे दो। सब्जी वाला निराश हुआ। क्रोकरी वाला नैतिक संकट में आ गया। उसने कहा, 1 किलो दे दो, बाकी पैसे कल ले जाना। सब्जी वाले ने भरोसा कर लिया, उसने 1 किलो तोल दिए। पर सब्जी वाले को रोज वहां रोकने के लिए इतनी खरीद काफी नहीं थी। क्रोकरी वाले ने लड़की के बाकी पैसे दिए और घर के लिए 2-3 किलो सब्जी और खरीद ली। उसे भरोसा हो गया कि सब्जी वाला अब रोज यहाँ खड़ा होगा और मेल जोल पड़ेगा। पर प्रेम का रास्ता कांटों का रास्ता है, पर पता नहीं इस सनातन मार्ग पर कब कंक्रीट की सड़कें बनेंगी। अभी भी प्रेम में कांटों भरी पगडंडी पर से चलना पड़ता है। योजना आयोग को अगली योजना में प्रेम की कंक्रीट की सड़कों का प्रावधान करना चाहिए।
बात यह हुई कि जब क्रोकरी वाला जवान दोपहर को सब्जी लेकर पहुंचा और उसके पिता ने सब्जी देखी तो डांटा, तो उसे किसने कहा था कि सब्जी ला, यह कचरा उठा लाया। बात यह है कि पिता रिटायर्ड बेकार आदमी है, वह सुबह झोला लेकर सब्जी बाजार चल देते हैं, 10 दुकानें हैं और बढ़िया सब्जी खरीदते हैं। नतीजा प्रेमी के लिए बुरा हुआ, दूसरे दिन से उसने सब्जी खरीदना बंद कर दिया और ठेले वाले ने वहाँ रुकना बंद कर दिया। अब ऊपर के परिवार को सब्जी चाहिए तो छोटी लड़की दूर खड़े ठेले से 1/4 किलो आलू खरीद लाती है। अब इस दीवाने को कुल इतना सहारा है कि सामने की किताब की दुकान पर बैठे देखे और नज़र बचाकर हल्का सा इशारा कर दे। दीवाने अपने बर्ताव से लड़की को चतुर बनाए दे रहे हैं। बोली लड़की सुविधा की होती है, उसे पटाना आसान होता है, पर ये दीवाने उसे कहियाँ बना रहे हैं, यह इन्हीं के हित के विरुद्ध जा रहा है। अब वह लड़की आसान नहीं रही। दीवाना नंबर 3, यह सामने वाला हलवाई है, निहायत गंदी चड्डी और मेल से काली बनियान पहनकर भट्टी के सामने सवेरे बैठ जाता है। दाढ़ी खिचड़ी है और कई दिन बनाता नहीं है, दांत पीले हैं, नाक नहीं, आलू बड़ा कहा जा सकता है। जलेबी के बाद वह आलू बड़े और भजे बनाता है, यह विकट दीवाना है। छज्जे की तरफ देखते हुए कड़ाही में चमचा चलाता है, जलेबी जल भी जाती है, कभी कच्चे कच्चे आलू बड़े निकाल देता है, तेल खाली जलता रहता है और वह छज्जे पर लड़की को देखता रहता है, फिर उसे जलेबी दिखाकर अपने पीले दांतों से खांसता है, समझता है गरीब की लड़की है, आकर जलेबी ले जाएगी, पर वह नहीं आती। एक दिन छोटी लड़की को उसने जलेबी दे दी थी, कहने लगा सब लोग बांट कर खाना, उसका मतलब था वह महबूबा भी खा ले, पर महबूबा ने छोटी को डांट दिया फिर उससे जलेबी लेगी तो पीट जाएगी। इधर यह दीवाना पीले दांत निकाले और नथुने फैलाए छज्जे की तरफ देख रहा था कि वह अब आई, पर वह नहीं आई। तब दीवाना दुकान के इस कोने उस कोने खड़ा होकर देखने लगा कि भीतर ही दिख जाए, लड़की सब कुछ भीतर से देख रही थी। आखिर वह बाहर छज्जे पर आकर खड़ी हो गई और हलवाई की तरफ देख लिया, वह कर्तात हो गया। उस वक्त वह आकर कहती है कि मैं तुम्हारा तला हुआ हाथ खाऊंगी, तो वह पंजा तल कर उसे खिला देता। लोग उससे पूछते हैं तुम्हारी उम्र कितनी है, 50 के पार तो होगी, वह कहता है 30 से ऊपर नहीं है, 5 साल से भट्टी के सामने बैठ रहा हूँ इसलिए उम्र ज़्यादा लगती है। 5 साल पहले देखते अच्छे अच्छे घरों की मरती थी, 2-3 तो जलकर मर गई थी मेरे प्रेम में। जब वह छज्जे पर आती है हलवाई पीले दांत निकालकर थूतने फैला कर सांड की तरह दूर से सूंघता है कि तैयार हुई कि नहीं। दीवाना नंबर 4, यह खिलाड़ी है, कई जगह खेलता है, पैसे वाले का लड़का है, चेन सावधानी से कुर्ते के बाहर रखता है, यह अक्सर शाम को आता है, इसका विश्वास है ट्यूबलाइट में आदमी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसका आना किसी को पसंद नहीं इसके अच्छे कपड़ों और चेन के कारण। पर तब लड़की चूल्हा फूंकती रहती है, आसपास के ट्यूबलाइट बेकार चले जाते हैं, 1-2 बार वह लड़की छू पर आकर पसीना पोंछने लगती है। यह दीवाना समझता है कि चेन उसे दिख गई, यह सोने की चेन से बांधकर उसे खींचना चाहता है। यह प्रेमी बड़े जोर जोर से शेखिया बगाड़ता है, ठहाका लगाता है, वह सुन ले कि कोई मस्ताना उसके लिए बेताब है, पर लड़की तब भीतर चूल्हा फूंकती है। दीवाना वहाँ लोगों को चाय पिलाता है, वह देख लें कि मैं इतना उदार हूँ, पर वह चूल्हा फूंकती है, जोर से कहता है अरे 1000 रुपये फूंक दिए हैं, यहाँ तो पैसे को मिट्टी समझते हैं, ज़रूरतमंद हो और मांगे तो 1000-2000 दे देते हैं और भूल जाते हैं। पर लड़की इसकी वह देवी उदारता सुन नहीं पाती क्योंकि रोटी बनाती होती है। इस दीवाने ने समय गलत चुना, इसे शाम के पहले सवेरे या दोपहर को आना चाहिए, पर इसकी भी मजबूरी है, इसके चेहरे पर चेचक के हल्के दाग है, इसलिए इसे ट्यूबलाइट में ही आना पड़ता है। यह भी किताब की दुकान पर थोड़ी देर बैठता है, वहाँ से रसोई बनाने का कोना दिख जाता है, फिर यह याद लिए हुए घर चला जाता है। दीवाना नंबर 5,
इसे सबके बाद इसलिए ले रहा हूँ कि 100% दीवाना है। एकमात्र गंभीर और समर्पित दीवाना गोरा आदमी है, अकेले जिंदगी काट रहा है, हर स्त्री पर मोहित हो जाता है, पर जब से उस लड़की पर इसकी नज़र पड़ी है यह बिल्कुल उसी का हो गया है और रात दिन उसी की याद में लिप्त रहता है, काम में मन नहीं लगता। लोगों से बात करता है तो या तो उसी की बात करता है या गुमसुम उसके बारे में सोचता रहता है। ठीक सामने रहने के कारण भीतर से भी उसे बैठकर या लेटे हुए देखता रहता है। यूं सेक्स यहाँ वहाँ जमाता रहता है। इसे हर 6 महीने में मकान बदलना पड़ता है। एक दोपहर को घबराया, मेरे पास आया, कहने लगा मोहल्ले में पिटने की नौबत आ गई है। मैंने पूछा तो उसने बताया मकान मालकिन गरीब है, उसने एक कमरा मुझे किराए पर दे रखा है, वह खुद एक से फंसी है। लड़की को मैंने पटा लिया था, एक लड़का भी है जो मैट्रिक की परीक्षा में बैठने वाला है। आज दोपहर को लड़की आ गई, माँ ऊपर सो रही थी, हम दोनों बिस्तरे में थे कि माँ आ गई, देखा तो चिल्लाई, अरे इसे क्या चकलागर समझ रखा है, भले आदमियों के मोहल्ले में ये कारनामे, मेरी लड़की को बिगाड़ रहे हो। मैं अभी मोहल्ले वाले को पुकारती हूँ और तुम्हारी बोटी बोटी करवाती हूँ। मैंने पूछा फिर तुमने क्या किया, उसने कहा मैंने उसके पांव पकड़ लिए और कहा मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूछा लड़की से उसने क्या किया, कहने लगा कुछ खास नहीं, एक हल्का सा चांटा मारा और कहा चल हरामजादी, ऊपर लफंगों के चक्कर में फंसती है, मैं इस बदमाश को अभी पिटवाती हूँ। मैंने फौरन साइकिल उठाई और आपके पास भागा चला आ रहा हूँ, क्या करूँ, मेरा वहाँ सामान पड़ा है, एक पेटी में काफ़ी रुपया भी है, मैं लौटने में डरता हूँ, क्या सचमुच वह मुझे पिटवा देगी, मैंने कहा हाँ, उसने कहा पर मोहल्ले वालों को क्या मतलब, वे जानते हैं वो औरत एक से फंसी है, क्या वे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसी की बात मानेंगे, हंगामा करेंगे, तुम्हें पीटेंगे, ऐसे हंगामे मोहल्ले की नीरसता भंग करते हैं, महीने में एक आध लड़की भगाई न जाए या कोई बलात्कार न हो तो मोहल्ले के निवासी बहुत बोर होते हैं। वह काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने पूछा आज या कल लड़की की माँ से तुम्हारी कुछ बात हुई थी, उसने कहा हाँ, रात को और सवेरे मेरे पास बैठी रहती है, ऐसे की तकलीफ बता रही, कह रही थी परसों मुन्ना की 50 रुपये परीक्षा फीस भरनी है, बड़ी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता, सुबह भी वही चिंता बता रही कि मुन्ना की फीस भरनी है। मैं मामला समझ गया, मैंने कहा फौरन घर जाओ, पेटी से 50 रुपये निकालो, ऊपर उसके पास जाकर उसे रुपये दो और कहो लो मुन्ना की फीस भर दो, जैसा तुम्हारा लड़का वैसा मेरा भाई, पैसा तो आता जाता रहता है, लड़के का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसके सिवा और कोई रास्ता पीटने से बचने का नहीं है, कहने लगे पर उसने पीटने वाले इकट्ठे कर रखे हों तो, मैंने कहा मैं निश्चित कहता हूँ उसने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं कहा होगा, वह तुम्हारी राह देख रही होगी। वो बोले 50 तो बहुत होते हैं, मेरा काम तो आधा भी नहीं हुआ था। मैंने कहा 50 दे दोगे तो पीटने से तो बचोगे ही, रात को वो तुम्हारा पूरा काम करवा देगी, इस तरह डेवड़ा काम हो जाएगा। बड़ी घबराहट में गए, दूसरे दिन मिले तो मैंने पूछा पीटे तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा उसने रुपये ले लिए, वो बोले हाँ, कहने लगी कि अरे भैया तुम तो घर के ही हो, मुसीबत में तुम काम नहीं आओगे तो कौन आएगा। मैंने पूछा और रात को उसने पूरा काम तुम्हारा करवा दिया ना, वो बोले हाँ करवा दिया, आपने ठीक कहा था कि देवड़ा हो जाएगा। मैंने कहा अब उस मकान को फौरन छोड़ो और बहुत ही तकलीफ उस मामले में हो, सुभेदे का मामला न जमे तो गांधी जी की शिक्षा के अनुसार चलो। उन्होंने पूछा गांधी जी ने इस सेक्स के मामले में क्या सिखाया है सिवा ब्रह्मचर्य के। मैंने कहा नहीं, उन्होंने अछूतोद्धार भी सिखाया है, एक दो रुपये में अछूतोद्धार कर लिया करो। वह गांधी भक्त हो गए, अछूतोद्धार पर अधिक ध्यान देने लगे। ब्राह्मण 500-600 रुपये कमाने वाला देखने में अच्छा, फिर भी शादी न हो, यह एक सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है। परदेशी है यहाँ, एक समस्या तो यही है कि
लड़की वालों के सामने कौन सिद्ध करे कि यह ब्राह्मण ही है, उसकी वंशावली कौन बताए, परिवार के कोई बुजुर्ग दिलचस्पी लेते दिखते नहीं है। ऐसा नहीं कि लड़की वाले आते नहीं हैं, वो खुद भी तलाश करके लड़की वालों के यहाँ जाता है, पर सुना है एक विशेषता है उसमें, वह लड़की की अपेक्षा उसकी माँ पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। इससे एक तो लड़की बिचकती है, दूसरे माँ उसे यूँ ही समझने लगती है। कुछ लोगों ने समझाया कि माँ को ज़रूर खुश करो, पर उसे माँ समझकर खुश करो, पर जवाब देता है, मैं क्या करूँ, जिस परिवार में जाता हूँ वहाँ माँ और लड़की दोनों मेरे ऊपर मरने लगते हैं, यह समस्या बड़ी टेढ़ी है। माँ पर ध्यान देता है तो लड़की बिचकती है और माँ लफंगा समझने लगती है। जहाँ माँ अनुकूल होने लगे वहाँ लड़की को काटती है, तेरा यहाँ क्या काम है, जाकर पढ़ती क्यों नहीं। माँ और बेटी दोनों पर एक साथ डोरे डालना खतरनाक होता है। कुछ पुरुष सोचते हैं कि लड़की नहीं तो माँ ही हाथ लग जाए, लड़की से तो शादी भी करनी पड़ सकती है। पर इधर ये प्रेमी लोगों से कहता जरूर है कि माँ मेरे पीछे पड़ी है, उस आदमी की बड़ी आफत है जिसे दुनिया की हर स्त्री अच्छी लगती है और ये समझता है कि दुनिया की हर स्त्री मुझ पर जान देती है, ऐसे में एक भी स्त्री हाथ नहीं पड़ती। यह प्रेमी नंबर 5 लड़की के पीछे दीवाना है, वह उससे शादी करना चाहता है, बिल्कुल डूबा है। लड़की भी अनुकूल लगती है, वह इसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। दीवानों ने खुद एक सीधी लड़की को जो सहज ही फंसती कहियाँ बना दिया है और अपना नुकसान कर लिया है। प्रेमी रोज एक दो मेरी प्रेम कविता लिखता है, प्रेमानुभूति प्रसार मांगती है, वो लोगों को सुनाता भी है। कविताएं अच्छी होती हैं, सीधी भी होती हैं। मेरे पास आओ तो बैठो तो मैं तुम्हारा हाथ सहलाऊं और चूम लूं वगैरह। देखा देखी तो बहुत हो चुकी, निकटता कैसे हो। प्रेमी बड़ा आविष्कारक होता है। लड़की का बाप शराब प्रेमी है। इतवार की एक शाम को उसने बुलाया, मिसिर जी आइए ना, यहीं बैठें। मिसिर जी आकर बैठ गए। प्रेमी ने ठर्रे का अद्दा खोल लिया और चालू हो गया। मिसिर जी जब आधी से ज़्यादा पी गए तो प्रेमी ने कहा, आपको लड़की की शादी भी तो करना है। मिसिर जी ने झोंकते हुए कहा, मुझे क्या चिंता, तुम जैसा दामाद किस वाले को मिलेगा, तुम तो मेरे दामाद ही हो गए, दुनिया कुछ भी कहे, सबकी माँ की। उसने प्रेमी को गले लगा लिया। प्रेमी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह मिसिर जी घर से निकले तो प्रेमी ने पुकारा, मिसिर जी जरा सुनिए तो। मिसिर जी ने चलते चलते कहा, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, फिर मिलूंगा। उनका नशा उतर गया था। एक नैतिकवादी यह सीधा खूबसूरत पुस्तक विक्रेता है, 3 बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है, इसके लिए दुनिया में दूसरी और कोई औरत नहीं है। मैं कभी कभी उनके पास बैठता हूँ, वे पीड़ित हैं, कहते हैं ये क्या चला है, मोहल्ले में बड़ी खराब बात है, तमाम हल्ला फैला हुआ है, ये बंद होना चाहिए। फिर कहने लगे, हमारी भी बदनामी हो रही है। वे 3 दीवाने हमारी दुकान पर आकर उससे आंखें लड़ाते हैं और इशारा करते हैं, इससे हमारे धंधे पर असर पड़ेगा। मैंने उनसे 2 से तो साफ कर दिया कि यहाँ न बैठा करो। मैंने थोड़े हल्के मूड में कहा, तुम तो हो बुद्धू, मैंने देखा कि वह लड़की तुम्हारी तरफ बहुत देखती है, वह तुमसे बहुत आकर्षित है, तुम एकाध बार उसकी तरफ देख लिया करो। उन्होंने कहा, फालतू बात मत करो, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते, हमारी वाइफ है। कहानी